विद्यार्थी के जीवन में भी दो प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं। 2008 की परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित नहीं होने पर मुझे किसी ने कहा कि तू तो केवी की नौकरी से संतोष कर ले, ये आरएस बनना तेरे बस की बात नहीं है। तो एक दूसरे मित्र ने कहा कि गिर को करने कंथड़ा, हिरण कशो घी खाए, आंख चरे और पून भगे, घोड़ा शिव आगो जाए। कि हिम्मत कर, हुंकार भर, हिरण कौन सा घी खाता है लेकिन घोड़ों से आगे जाता है। एक था उत्प्रेरण और दूसरा था दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण ना स्वयं करे ना दूसरों के दुष्प्रेरण का शिकार हो, अपने मुकाम अपने उसूल खुद तय करे और हर बार लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश ना करे। एक बार रात के समय एक दुकानदार बंद करने ही वाला था कि एक कुत्ता उसके पास में आया। कुत्ते के मुंह में थैली थी और उसमें कुछ सामान की लिस्ट थी। दुकानदार ने थैली ली, उसमें सामान डाला, बाकी पैसे डाले और सामने रख दिए। कुत्ते ने थैली मुंह में उठाई और चल दिया। दुकानदार से रहा नहीं गया, वह आश्चर्यचकित होकर कुत्ते के पीछे पीछे गया ये जानने के लिए कि इतने समझदार कुत्ते का मालिक कौन है। कुत्ता कुछ देर बस स्टॉप पर खड़ा रहा, बस आई उसमें चढ़ गया। कंडक्टर पास आते ही उसने गर्दन बेल्ट में कुछ पैसे और घर का पता था। कंडक्टर ने उसे टिकट दे दी, बाकी पैसे बेल्ट में वापस रख दिए। जो ही अपना स्टॉप नजदीक आया कुत्ता बस में आगे की तरफ आ गया और पूंछ हिलाकर इशारा किया। बस रुकने पर कुत्ता उतर गया और आगे चल दिया। दुकानदार भी उसके पीछे पीछे चला। कुत्ते ने अपने पैर से 2-3 बार दरवाजा खटखटाया। मालिक बाहर निकल कर आया और उसने लाठी से कुत्ते की पिटाई की। आप सोच रहे होंगे कि क्यों, मालिक भी सोच रहा था। उसने पूछा इसका कारण, तो मालिक ने कहा बदतमीज ने सारी नींद खराब कर दी, चाबी लेके नहीं जा सकता था, गधा कहेगा। मित्रों, जीवन की सच्चाई भी यही है। लोगों की आपसे अपेक्षाओं का कोई अंत नहीं है। जरा सा आप चूके कि आपने बुराइयां निकाल देंगे और पिछली सारी अच्छाइयों को भूल जाएंगे। इसलिए आप तो बस अपना कर्तव्य कर्म करें, आगे बहुत सी कठिनाइयां है। माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है, माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत है। जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। लेकिन अगर आपने निश्चय कर लिया है कि आपको इस कठिन राह पर चलना है, अगर आपने सोच लिया है कि अब जलेबी की तरह इसमें उलझ ही गए हैं, तो फिर क्यों न चाशनी में डूब कर जिंदगी का मजा लिया जाए। मेहनत को सफलता के मुकाम तक पहुंचाइए, अपना संबल खुद बनिए, अपनी तारीफ खुद करिए। बुराई करने के लिए तो पूरा जमाना बैठा है। जिन लोगों की नजरों में बुरे हैं आप, कह दे उन्हें कि वे नेत्रदान कर सकते हैं। अपने आसपास के परिवेश में केवल उन्हीं तत्वों को प्रविष्ट होने की अनुमति दे जो सकारात्मक हो, विचारात्मक हो, बोधात्मक हो, सही दिशा देने वाले हों।